अभी जयपुर घूमने निकले हैं और थोड़ा बहुत रस्तों पे घूमते हुए आ गए हैं। अभी आ गए और मंदिर बनाया, गाड़ी चला रहे हैं और अभी थोड़ा बहुत घूमा है देखे महेंद्र बनाए के साथ। और इनको भी काफ़ी टाइम मिलता है क्योंकि बैंक में जॉब है इनकी, अब जैसे जैसे इनको टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे घूमेंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे आप लोगों को। अब दिखाते हैं आपको आगे का क्या सीन रहता है, अभी कहाँ पे जाते हैं देखे। अभी तो हमारे उनको पता नहीं कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। थोड़ी सा बुरा विद्याधर नगर वाले मार्केट में आ चुके हैं अभी फिलहाल। अब खाने पीने का कुछ देखते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। ऐसा कुछ दिखता है, पूरा भरा हुआ मार्केट है। ले लो भाई ले लो, जो भी लेना है। अच्छा इस जगह पे है ना, ये क्या है सामने? पनीर का है ये। अच्छा ये क्या है सामने? क्या ये होटल टाइप, मतलब केडीए ने नया बनाया है ये मकान, ये है। अच्छा ये खाना रेस्टोरेंट अपने ये वाला, टोटल चौपाटी है यहाँ पे सारा सभी कुछ। सैंडविच खाने के बाद अब चलते हैं आगे। इस पे जाए ये विद्याधर नगर वाला जो एरिया है ये चौपाटी है पूरा है ना लगभग।
कैमरे के आगे आने और ब्लॉगिंग करने का मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो बाकी फिर भी आज कोशिश करेंगे महेंद्र भाई के साथ। तो उस तरफ अभी मैंने सैंडविच वगैरह खाया है और वहाँ से सीधे निकला है थोड़े से आगे घूमने के लिए। बाइक हमारी वहीं पे खड़ी हुई है अभी फ़िलहाल, और ऐसे कुछ आसपास का एरिया है ये, और देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं, फिर वापस से टर्न करते वक्त बातचीत करते हैं आपसे। थोड़े से मास्क फ्री जोन में आए, थोड़ी जुकाम वगैरह हो रही है तो बोलना नहीं आ रहा, और कुछ पीछे की तरफ एक ग्राउंड है, ऐसा सा एक ग्राउंड है, हाई मास्क लाइट लगी हुई है और ये स्क्रीन है यहाँ पे गवर्नमेंट वाली, और ठीक है आराम से सब लोग घूम फिर सकते हैं यहाँ पे, आराम से टाइम पास हो सकता है ऐसा एरिया। फिलहाल रवानगी लेते हैं यहाँ से, आज पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं जहाँ तक हम लोग घूम रहे हैं और जो कुछ भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं आपको दिखाने की। जुकाम काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है मेरे को, कल बुखार सा आ गया थोड़ा बहुत इस वजह से, और जितना जो कुछ हो रहा है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल आपको, और अच्छा व्लॉग बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज का। वाली सफारी कौन सी वाली? इधर खड़ी है वो, किधर है? नई सफारी है वो, सफारी है वो, हैरियर की जैसी निकाली है और उसको आ रहा है ना, हैरियर ही है वो, तो हैरियर का 7 सीटर वेरिएंट है, वही हैरियर ही है। थोड़ी बहुत डिप्लोमा हमने भी किया है गाड़ियों के बारे में। आज वापस हम घर की तरफ जा रहे हैं और घर के बीच में हमें कुछ देखने को मिलेगा, आई थिंक मुरलीपुरा स्कीम है वो एक तरह से, तो उसके हम वहाँ थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे वहाँ पे क्या है क्या नहीं वो दिखाएंगे आप मेरे को। अंधेरा छा गया यहाँ पे तो लाइटिंग नहीं है, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, अंधेरा है, मतलब रोड है तो रोड पे तो लाइटिंग कम ही होती है, आप भी जानते हो ये राजस्थान सरकार है। नहीं, बिल्कुल फुल डिटेलिंग के साथ महेंद्र मैडम ने बता दिया आपको, फिलहाल आगे लाइटिंग आने वाली है देखेंगे, तो जैसे आएगी तो हम लोग आपको फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ चुकी है, अब फिर से बोलेंगे मैं तो, ये अब मेन रोड आ चुकी है, पहले हम बीच की रोड में थे जहाँ पे मतलब लाइटें वाइटें नहीं थी, लेकिन अभी हम मेन रोड पे हैं जहाँ पे हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, और घर के बीच में एक जगह है मुरलीपुरा स्कीम, वहाँ पे हम आपको 2-4 चीज़ें दिखाएंगे, वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसे चीज़ें वहाँ मिलती है और किस टाइप से लोग वहाँ रहते हैं, कैसे घूमते फिरते वहाँ पे, मतलब आपको सब चीज़ दिखेगी वहाँ पे एक तरह से। महेंद्र भाई प्रॉपर जयपुर के रहने वाले हैं, फिलहाल मैं डोली से हूँ आप सभी को पता ही है, तो मैं यहाँ जयपुर के लिए नया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही महीने में 2 या 3 बार आया करता था कभी ना कभी, बस रेगुलरली मेरा आना नहीं था, फिलहाल लगभग 20 दिन से 15 दिन से मैं यहीं पे हूँ, और जितना लगभग घुमा हूँ मैं तो महेंद्र भाई नहीं घुमाया मुझे। अभी लाइटिंग वगैरह सही आ गई है तो आगे आपको करवाते हैं एक्सप्लोर। सामने वाला जस्ट सामने जो दिख रही है बिल्डिंग वो अलका थिएटर है करके, रेड लाइट है अभी, तो राजधानी में अगर खड़े हो ना तो नई नई गाड़ियां ऐसे दिख जाती है, शट शट शट, रेड लाइट का वेट हो रहा है सभी के द्वारा। लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे भी, और अब जा रहे हैं घर की तरफ, और करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।